वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आज हम क्रोशिया से बनाएंगे, नीडल से तो बहुत बना लिया, आज क्रोशिया से बनाते हैं। और हाँ, आपके पास जितने भी कलर हैं ना, सारे कलर ले आइए, बहुत सारे कलरों को यूज़ करेंगे, फिर एक प्यारा सा जूता बनाएंगे। आप उसकी लुक देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, और बनाने में इतना ईजी है कि आप इजीली बना लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने चैन डालनी है। और मैंने देखिए जूते के लिए ये क्रोशिया वाला जो होता है ना वूल, वही लिया है। और मेरा क्रोशिया नंबर देखिए 3.0 mm है। और स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर चैन बुननी है यहाँ से। तो देखिए कितनी चैन बुनेंगे, एक हो गई है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस और ये 21। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 21 चैन बुनेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये है 6 से 7 नंबर का जूता। अब देखिए छोटा बनाना है तो 4 चैन कम कर दीजिए, और बड़ा बनाना है तो 4 चैन ज़्यादा कर लीजिए। इस तरह से छोटा बड़ा हो जाएगा। आपने अब क्या करना है, हर चैन में से आपने इस तरह से फंदे उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने हर चैन में से फंदे उठाने हैं। तो देखिए ये आपके 21 ही आएंगे, 21 होने चाहिए। तो कितने होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 के बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये लास्ट वाला है 21। तो देखिए फ्रेंड्स 21 फंदे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, बस पहले एक बार बुनिए इस तरह से। अब आपने हर चैन में से पास करना है फ्रेंड्स। बस इसी तरह से आप क्रोशिया को चलाना सीख लेंगे ना, तो एक से एक डिज़ाइन होते हैं क्रोशिया में, वो भी मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बताया करूँगी, ताकि आप क्रोशिया वर्क भी कर लें। जिन्हें क्रोशिया वर्क आता है इजीली बना लेंगे वो। और इसमें डिज़ाइनिंग करनी भी बहुत आसान होती है, बस ये है कि आपको काउंट कर करके बनाना है। ये देखिए आज जो मैं लेकर आई हूँ ना डिज़ाइन, बहुत प्यारा है, पत्तियों वाला। ये देखिए इस तरह से आपने हर चैन में से पास करना है। अब ये 2 चैन बचती है ना, यहाँ से कलर लगाएंगे, इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, यानी थोड़े थोड़े कलर से हमने डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए ये एक प्यारी सी पत्ती या ट्रायंगल कह लीजिए। फिर देखिए मैंने ये कलर लगाया, ये कलर लगाया, इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको ये 1 और 2 बता देती हूँ, बाकी मैंने फिर इसे रिपीट करा है। इसके बाद आगे का और बाकी का सारा काम इसी पर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे, आपने यहाँ से लेना है। यहाँ से ये आ गया। फिर देखिए इसके बाद ये जो लाइन आती है ना, इस लाइन के अंदर से यहाँ से पहले आपने पहले ही ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपने 1 और 2, यानी कि पहले 3 फंदे रखिए आपने, 1, 2, 3। ये 3 फंदे हमारे वाइट कलर से हर रो में बनाने हैं आपने। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, ये देखिए ये जो है ना आपका यहाँ से 1, और यहाँ से इसको पीछे से निकालिए, इसमें सेपरेट हो जाएगा 2, फिर ये और ये 3। फिर आपने हर लाइन से लेना है 4 और ये 5। देखिए 5 फंदे हो गए ना पिंक कलर से, 2, 2, 4 और 1, 5। अब आपने क्या करना है, एक बार ऐसे बुनना है, बाकी अब सिर्फ आपने सारे फंदों को पास करना है इस तरह से। ये देखिए पास कर दिया। अब आपने इसको इधर करके वाइट कलर से, ये जो आपका वाइट कलर है ये यहाँ से इस तरह ये और ये, फिर अब आपने तीनों फंदों को
वाइट से ही बुनना है। और अब आपने ये जो पिंक कलर से बुना था ना, ये वाला, तो अब आपने पहले पांच बनाए थे ना, पांच फंदे बनाए थे, एक, दो, दो के बाद तीन, चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छः, छः के बाद ये सात। अब आपने बस पास करना है, यानी कि हर सिलाई में, यानी हर जब आप आगे आएंगी, हर रो में आपने दो दो फंदे बढ़ाते चले जाने हैं। अब आपने ये देखिए, इसको इससे लॉक करिए, नहीं तो ये अलग हो जाएगा। तो देखिए, फिर आपने वाइट से तीनों बुनने हैं। ये हमेशा ये तीन जो पट्टी है ना, तीन फंदों की, ये आपने हमेशा इसी कलर से बुननी है, वाइट से। अब आपने इसको देखिए पीछे करके लॉक करके लीजिए, इस तरह से धागा पीछे कर दीजिए। और अब आपने देखिए पहले पाँच करे, पाँच के बाद हमने सात करे, सात के बाद अब हम नौ फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए, चार, पाँच, छः, सात, सात के बाद ये देखिए, सात के बाद ये है, आठ, और ये नौ, इस तरह से। फिर एक, हर एक में से पास कर दीजिए फ्रेंड्स, यानी कि आपने दो दो फंदे तक आगे तक करते चले जाना है इस तरह से। और ये दो पत्तियां मैं आपको सिखाऊंगी, बाकी तो फिर रिपीट है फ्रेंड्स। देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बनाना बहुत इजी है। फिर आपने ये देखिए, ये तीन वाइट से चल रहे हैं हमारे फंदे, तो इन तीनों को वाइट से बुनिए। ये बुन दिया, लॉक करना है धागे को इस तरह से। आप देखें कितने बनाएंगे, पहले गिन लेते हैं, एक, दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, नौ थे ना, ग्यारह कर लीजिए, दस, और ये ग्यारह। अब आपने फिर से सारे फंदों को पास करना है, ये बहुत इजी है, इसे मैं कर लेती हूँ। और जब ये रह जाएगा तीसरा, तो वाइट से बुन दीजिए। वाइट लेंगे और वाइट को तीनों से बुन देंगे इस तरह। अब कितना है फ्रेंड्स, देखिए आप फिर से आपने इन तीनों को वाइट को वाइट से बुन दीजिए, तीन, एक, दो, तीन, और इसको लॉक करिए यहाँ से। ये देखिए आप कितने होने चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। देखिए अभी तेरह हो गए। आपने क्या करना है, फिर से पास करना है इन सबको। बस फ्रेंड, दो दो फंदे करके बढ़ाने हैं आपने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तेरह फंदे पास कर लिए थे, तेरह, फिर मैंने तेरह बुन भी लिए, तेरह के बाद ये चौदह और ये पंद्रह। अब पंद्रह हो गए, इन पंद्रह फंदों को बस पास कर लीजिए, हर फंदे में से फंदे को निकाल लीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से निकालना है, यानी पांच फंदों में हमने दो दो फंदे बढ़ाते गए, तो ये इतना प्यारा सा एक डिज़ाइन आ गया है। अब आपने वाइट से इस तरह से, फिर से वाइट से तीन। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से पिंक कलर से बुनना है। एक, एक आ गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह।
तो देखिए फ्रेंड्स ये 15 हो गए ना, देखिए 5 से स्टार्ट करा तो इस तरह से बनता जा रहा है, 15 हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से इन सबको 15 15 के बाद देखिए भी हम लेंगे 16, फिर 2 लेंगे ना 17। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे 17 फंदे हो गए। अब हमने क्या करना है, हर फंदे में से पास करना है इस तरह से, ये देखिए। इस जूते में आप जितने कलर लगाना चाहें, जितनी पत्तियां हैं उतने कलर लग सकते हैं, यानी छोटे छोटे से जो बच जाते हैं ना आपके पास आप उन्हें भी यूज़ कर सकती हैं, ये देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। फ्रेंड्स अभी हमने एक लाइन और बुननी है, क्योंकि हमने 17 फंदे इस कलर से बुनने हैं, 2 फंदे रह जाएंगे तो वह 2 फंदे हम दूसरे कलर से बुनेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, 15 नहीं 17 फंदे बुनिएगा। तो 2 हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इस तरह से अब ये 17 फंदे हो गए, 2 फंदे रह गए ना वो हम दूसरे कलर में लगा लेंगे, बाकी के सारे फंदे इसी तरह से पास कर लेंगे। मैं आपको 2 पत्तियां बताऊंगी ना फ्रेंड्स, देखिए ये तो हो गए हमारे, इधर से हमने ये ऐसे रखे, इधर से इधर वाले फंदे सारे इधर आ गए, यानी इधर से। अब आपने देखिए ये आड़ा हो रहा है ना, तो अब आपने इधर से बढ़ाना है। तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर देखिए दूसरे कलर में फिर ये बिल्कुल एक सा हो जाएगा, चौड़ी सी पट्टी बन जाएगी। अभी आपको लग रहा है कि टेढ़े मेढ़े हैं, ये सीधे कैसे होंगे, तो इस तरह से होंगे। देखिए अगली लाइन में ये सीधे हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से इसको वाइट से बुनेंगे इस तरह, अब देखिए अब क्या करना है। ये एक डिज़ाइन एक तैयार हो गया, आपको 2 समझाने, तो देखिए अब दूसरा कलर ले लेते हैं जिसके साथ अच्छा लगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पहले तो आपने 3 ऐसे ही बुनने हैं, यहाँ रखिए 3, ये देखिए यहाँ से इस तरह से लीजिए, एक एक के बाद थोड़ा सा खींच लीजिए, फिर इसके बाद ये 2, 2 के बाद देखिए 3। आप क्या करेंगे 3 के बाद ये देखिए 4, 5, 6, 6 के बाद देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, ये 16, ये 17 के बाद देखिए 18 और एक ये 19, ये 19 हो गए टोटल। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स अभी ये आड़ा था ना, अब हमने सिर्फ यहाँ यहाँ से फंदे लेने हैं इधर साइड, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो किस तरह से, बस देखिए यहाँ से ये एक एक देखिए एक हो गया, एक के बाद 2, 3, 3 के बाद 4 और 5। अब ये 5 हो गए, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से फिर से उठाने, ये देखिए 2 फंदे हो गए, 3, 4 और ये 5। अब इन 5ों में से पास करेंगे, 1, 2, 2 के बाद 3, 4
ये पांच हो गए, पांच के बाद दो फंदे और लेंगे, पांच के बाद देखिए ये छः और ये छः के बाद ये सात। अब हम इधर 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 से ही बुनेंगे, अभी इधर तक नहीं आएंगे। सात हो गए तो आपने सात फंदे करने, एक तो था एक, दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, ये देखिए दो दो चार दो छः पाँच छः और एक ये सात। अब सात हो गए ना, पाँच से स्टार्ट करें सात हो गए, अब दो इधर फिर बढ़ जाएंगे तो नौ हो जाएंगे। इस तरह से इन सबको पास करिए, ये सात हो गए ना, सात के बाद फिर ये एक और ले लीजिए इधर, आठ और एक ये नौ। तो देखिए फ्रेंड्स इधर से बनता जा रहा है ना, ये सारे फंदे इधर आ जाएंगे धीरे धीरे करके। आपका देखिए एक फंदा है, अब आपने यहाँ से दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ। फ्रेंड्स काउंट करके बनाइएगा, नहीं तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा आपका। एक, अब आपने पूरे नौ फंदों में से पास करना है इस तरह। जब नौ फंदे पास कर लेंगे तो दो फंदे और बढ़ा लीजिए, तो नौ की जगह आप ये नौ हो गए हैं। फिर आपने एक ये बढ़ाया, एक और बुन लिया तो ये ग्यारह हो गए। अब आपने फिर से इन ग्यारह फंदों को बुनना है, ये एक एक हैगा दो हो गए सॉरी, क्योंकि एक हमारा रहता ही है उसे भूल जाती हूँ मैं। तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, नौ के बाद ये दस और एक ये ग्यारह। देखिए अब क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से ये इसके अंदर से निकाल लीजिए और सारे फंदों में से आपने इसी तरह निकालना है। बस इसी तरह फंदे निकाल निकाल के फ्रेंड्स बड़े प्यारे खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन बन जाते हैं, बेलें बन जाती हैं। लोग इस पर बहुत प्यारी प्यारी बेल बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। अब देखें अब क्या करना है, फिर से एक तो है ही मेरे पास, एक के बाद देखिए यहाँ से गिन लीजिए चाहे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। अब तेरह हो गए हैं, अब तेरह के बाद इन तेरह फंदों को पास कर लीजिए इस तरह से। तेरह हो गए, तेरह के बाद दो फंदे और कर लीजिए, ये एक यहां से एक और ये दो। अब ये पंद्रह हो गए हैं, ये कितने हो गए, अब यहाँ से देखिए दो ले लिए ना मैंने, यहाँ तक बुना था एक और दो। अब आपने फिर से इनको बुनना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और अब ये पंद्रह हो गए। अब आपने फिर से इन पंद्रह फंदों को पास करना है। तो देखिए फ्रेंड्स पंद्रह हो गए थे, अब देखिए ये सोलह और ये सत्रह, फिर से सत्रह फंदों में से इसी तरह से करेंगे। मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ इसके बाद में रिपीट नहीं, रिपीट खुद करूँगी और रिपीटिंग का काम आप कर लीजिएगा, लेकिन दो पत्तियाँ समझ लीजिए कि कैसे कैसे हमने इधर से घटाया, फिर कैसे कैसे हमने
इधर से बढ़ाया, बस इसमें यही साइंस है जो आपने अच्छे से सीखना है बस। और इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बस देखिए इस तरह से निकालना आना चाहिए और गिन गिन के बना लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं गिने तो ये पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी बस, और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने सिर्फ गिनते रहना है, क्योंकि दो दो फंदे करके बढ़ रहे हैं ना इसीलिए। और वो सारी पत्तियाँ जब आप गिन कर बनाएंगी तो एक सी बनेगी, ना कोई छोटी बनेगी ना कोई बड़ी बनेगी, और ना ही हमें उधेड़ने का चक्कर होगा इस तरह से। बस अब दो फंदे रह गए हैं, उन्हें भी इसी तरह बुन लेंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से अब फ्रेंड्स ये देखिए पूरी 17 फंदे आ गए हैं, फिर 18, 19, 20, ये पूरे हो गए इस तरह से। हमने 21 डाले थे ना तो 20 बने, तो देखिए इस तरह से ये देखिए बैलेंस हो गया ना, पहले यहाँ से घटाया तो तिरछा हो गया, फिर इसी तिरछे को हमने इधर से बढ़ाया तो ये बैलेंस हो गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसे निकालेंगे इस तरह से। अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज़ गिन के बताई है। ये देखिए बस इस तरह से आपने हर फंदे में से पास करना है, ये देखिए इस तरह। कुछ जूते ऐसे होते हैं जिसमें हमें काफ़ी कलर लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं कलर हमेशा छोटे मोटे से जो बच जाते हैं उसे भी उठा के रख लेती हूँ। अब आपने यहाँ से वाइट कलर से बुनी है, अब इसका काम हो गया, इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए और वाइट से बुनते हैं, ये तीन फंदे वाइट से बुनेंगे, एक दो और तीन, इसे टाइट कर लेते हैं फिर से यहाँ से। और अब तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फिर दूसरा कलर लगाएंगे, फिर से एक दो तीन चार पाँच, फिर से जैसे हमने ये पिंक वाला बुना था ना पाँच से स्टार्ट कर, तो पाँच हो गए, फिर इस तरह से। फिर वाइट से बुनेंगे, फिर यहाँ से, और यहाँ से। एक दो तीन चार, चार के बाद ये पांच, पाँच के बाद ये देखिए छः, छः के बाद ये सात। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स देखिए फिर इधर से पास कर लेंगे, फिर आएंगे तो नौ हो जाएंगे। इस तरह करते करते आपने बनाना है, देखिए बस आपने इन्हीं टू रो को रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इन टू रो को रिपीट कर कर एक पट्टे से बना लिए, देखिए यहाँ तक। ये देखिए ये दोनों मैंने आपको बता दिए, फिर मैंने ये जो बुना इसकी तरह बुना, ये मैंने इसकी तरह बुना, फिर ये इसकी तरह और ये इसकी तरह। तो इस तरह से कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो मैंने छः पत्तियाँ समझ लीजिए डाल दी। अब देखिए सात ही पत्ती में कैसे बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड अब हम देखिए वाइट से बुनेंगे, तो तीन मैंने बुन लिए, तीन के बाद देखिए चार पाँच छः सात
आठ, मतलब जितने भी आपको दिख रहे हैं ना फंदे, सारे फंदे आप वाइट से बुनिए, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया ना, हर लाइन में से फंदा उठाते जाइए फ्रेंड्स, इस तरह। ये देखिए इस तरह, ये आ गया है। अब आपने क्या करना है, सारे फंदे व्हाइट से ही बुनने हैं यहां से। फिर क्या करेंगे, फिर से तीन इसी से बनाएंगे, दो और तीन। तीन के बाद फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से अपने फेवरेट कलर लगाइए जो आपके पास है। तो देखिए फ्रेंड्स, साइडों की पट्टी तो तैयार हो गई है। अब हमने पंजे की गोलाई बनानी है, तो ये तीन बुनने के बाद आप यहाँ से कलर लगाइए। और फ्रेंड्स, ये एक पत्ती अच्छे से समझिए, क्योंकि इस पत्ती को ही हमने पाँच पत्तियाँ बनानी है, तब पैरों की अच्छी सी गोलाई आएगी आगे पंजे की। तो देखिए, यहाँ से आपने सारे फंदे इसी कलर से बुनने हैं। तो तीन हो गए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। देखिए फ्रेंड्स, ये सत्रह हो गए ना, आप दो छोड़ दीजिए, एक और दो छोड़ दीजिए, बाकी सारे फंदों को बस इस तरह से पास कर लीजिए। आप इस पत्ती को अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स आपने, क्योंकि फिर आपने पांच बार इसी पत्ती को रिपीट करना है इस तरह से। फिर से देखिए, हर एक में से निकालते जाइए इस तरह। इस तरह से ये देखिए, और अब आपने व्हाइट से तीन बुनने हैं, तो व्हाइट ले लीजिए। और इसको इससे टाइट कर दीजिए, ये टाइट हो गया ना। फिर आपने अभी तीन वाइट से भी बुनने हैं, ये रहे, यहाँ से वाइट कलर लीजिए, दो और तीन, और इसको लॉक करिए इस तरह से, घुमा के लीजिए कि वो उसमें जब इसमें मुड़ जाए एक। अब आपने फिर से सब में से लेने हैं, इस तरह से उठाना है, इस तरह से लेना है। तो देखिए, गिन भी लेते हैं ताकि आपको इजी हो, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। देखिए, दो इसमें से आप फिर दो फंदे छोड़ दीजिए, यानी दो फंदे घटा दीजिए, और इसी तरह बुनिए, इस तरह से सब में से पास कर लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत इजी है और ये पूरा पूरा दिखा रही हैं, तो लेकिन फ्रेंड्स, जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो थोड़े बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना, ताकि बेचारे इजीली बना लें अच्छे से। ये देखिए, फिर ये और ये, इसके बाद आपने फिर से ब्लू कलर से बुनना है। यहाँ देखिए, यहाँ से फिर से हर एक में से निकालते जाइए
इस तरह से। दो दो फंदे घटा के आइए यहाँ तक। मैं एक मैं घटा लूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक लाइन बता दूँ, क्योंकि फिर तो पांच चार पत्तियाँ मैंने खुद ही बुननी है, वो रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए एक पत्ती पूरी देख लीजिए। फिर से दो छोड़ दीजिए, आपने दो छोड़ दिए, एक और दो, फिर आपने इस तरह से यहाँ से वाइट से यहाँ से फिर से इस तरह से ये देखिए, हर एक लाइन में से फंदे उठाइए जो किनारे पर है, बस वहाँ की दो वो छोड़ दीजिए आपने। देखिए अब ये एक और दो छोड़ दिया, फिर से इस तरह यहाँ से फिर से ब्लू से उठाइए, अब देखिए फिर दो छोड़ दीजिए, एक दो, फिर इसको बुन लीजिए। और वाइट से तीन फिर से और फिर से ब्लू से एक दो तीन चार पाँच छः, अब ये सात हो गए। दो छोड़ दीजिए, छः के बाद दो, दो चार, दो छः, छः छोड़िए, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये दो छोड़े थे ना, ये लीजिए सात, दो दो चार दो छः सात हो गए। अब आप ये दो छोड़ दिया आपने, फिर से अब इस तरह से बनिए, फिर वाइट से बुनेंगे, अब फिर आपने यहाँ से ये देखिए एक दो तीन, और अब आपने यहाँ से ब्लू से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच हो गए ना, सात में से फिर दो कम करती तो पाँच हो गए, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह ये, और अब आपने ये वाइट से बुनना है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह ये और यहाँ, फिर ये देखिए एक और दो, फिर यहाँ यहाँ एक दो तीन, अब ये तीन बचे ना, आपने इन तीनों को एक दो तीन, और अब
यहाँ वाइट से बनी है इस तरह से। फिर ये देखिए तीन तीन हो गए और इसे कसी है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से अब आपने फंदे उठाने, तीन तो हैं ये आपके, तीन के बाद देखिए ये चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ के बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और ये इक्कीस बाईस, इक्कीस हो गए पूरे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने पूरे आपने वाइट से पास करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह आपने कर दिया। अब आप सारे फंदों को इसी तरह से पास कर लीजिए हर एक में से उठा उठा के, ये देखें फ्रेंड्स। आपको पता है इसकी एक बड़ी क्रोशिया भी आती है जिससे जूते वूते बुनती हैं, वो मुझे मिल गई है, लेकिन ये थोड़ी चिकनी सी है तो फंदे आराम से निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना प्यारा सा बड़ा सा क्रोशिया है, उस पर आप बहुत ईजीली बना सकती हैं। ये हो गया इस तरह, ये तो ये देखिए ये एक बन गई ना। इसी तरह से आपने फ्रेंड्स पांच पत्तियां बनानी है। अब क्या करेंगे, अब आप फिर से, अब ब्लू का काम ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से देखिए एक ये तीन हो गई। अब यहाँ से आपने फिर से दूसरा कलर लगाना है यहाँ से, और आपने इस तरह से बनानी, देखिए देख लीजिए एक एक के बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने अब से इसके बाद भी जितने जो है ना वहाँ से भी हमने फिर से दो फंदे छोड़ने हैं यहाँ से, देखिए ये एक और दो छोड़ दिया, बाकी का फिर आप इस तरह से पास करते जाइए। अब दो दो फंदे करके बनाने हैं, ये देखिए ईजी है फ्रेंड्स। जब आप बनाने बैठेंगे ना तो आप इजीली बना लेंगे, जब तक हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ईजी है या टफ है, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप इजीली बना लेंगे। कोई सा भी काम मुश्किल नहीं होता, बस मेहनत होती है थोड़ी सी। इसके बाद आपने फिर से यहाँ से इस कलर से लेना है, ये यह है यहाँ से ये यह आ गए, फिर आपने ले लिया। अब आप यहाँ से ले लीजिए इस तरह से और दो कम कर दीजिएगा आगे से, सारे फंदे इसी तरह उठाइए लाइन में से, लाइन भी बनी हुई है, बस उसके अंदर बीच में क्रोशिया डालना है और निकालना है इस तरह से, ये देखिए देखिए। अब फिर मैं दो कम कर दूंगी इस तरह से, यहाँ व्हाइट से करेंगे इस तरह से, लाएंगे पीछे से और इस तरह से।
फिर से देखिए ये तीन हो गए, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, बस आपने जैसे एक पत्ती बनाई है ऐसी चार पत्तियां और बना लीजिए, उसके बाद में रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पत्तियां देखिए कंप्लीट कर ली हैं, और देखिए बनने के बाद इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है, देखिए कितना खूबसूरत सा लुक आया है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, बस मैंने इन्हीं पत्तियों को रिपीट कर लिया तीन बार, एक दो तीन, तो टोटल ये पाँच हो गई हैं, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से ये कम्प्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब आप देखिए वाइट तक आ जाएंगे ना, अब आपने यहाँ से देखिए जो ये कलर लगाए थे ना, यही सारे कलर यहाँ यूज़ कर लीजिए यहाँ से। अब आपने क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच हो गए, अब आपने ये वाला कलर यहाँ लगा लीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहले आपने तीन, एक दो तीन तो हो गए हैं, ये रहे तीन, तीन के बाद यहाँ से ये वाला कलर लगाएंगे, क्योंकि हमारे साइडों में जो कलर है हम वही कलर लगा लेंगे, और अगर आप चाहें तो मल्टी कलर लगा लें, क्योंकि ये तो कलरफुल जूता है, जितने पड़े हैं सबको यूज़ कर लीजिए इसमें ये यहाँ से। तो देखिए एक दो तीन चार और पाँच, अभी आपके देखिए पांच फंदे हैं ना, दो दो चार और पांच, तो अब आपने इस तरह से इन पांचों में से पास करिए, ये वाइट है तो वाइट वाले तीनों इससे बुनिए, एक दो तीन यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से टाइट कर दीजिए। फिर आपने ये तीन वाइट वाले ऐसे ही बुनने हैं इस तरह से, और ये पांच हैं पहले आपके शुरू में, तो आपने देखिए एक दो तीन चार यहाँ से ये इसको घुमा करके इस तरह से पांच के लिए, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, फिर इन सातों को सातों में से पास कीजिए इस तरह से। मुझे आपको पूरा बताना है, ये इस तरह और फिर इसके बाद ये, अब ये सात के बाद नौ हो जाएंगे इस तरह, दो तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो और बढ़ा लिए तो नौ हो गई है इस तरह से, इन नौ में से पास कर लीजिए। नौ के बाद अब जब हम अगली सिलाई बुनेंगे, यानी अगली लाइन बुनेंगे, तो उसमें नौ के बाद हमारे ग्यारह हो जाएंगे इस तरह से, बस इस तरह से बढ़ाते जाना है फ्रेंड्स। फिर देखिए यहाँ तीन इसी से बुनिए, नौ के बाद ग्यारह हो जाएंगे आपके, तो इस तरह से इसको बुनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ के बाद नौ दस और ग्यारह, अब इन ग्यारह को निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 हो गए थे, अब ये 13 हो गए, और फिर इन 13 फंदों में से इस तरह से पास कर लीजिए, 13 के बाद 14 15 होंगे, 15 के बाद 16 17 होंगे, इस तरह से फंदे बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से, निकाल लिया। जब आप स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स, आपको खुद इंटरेस्ट आने लगा और ये डिज़ाइन बन भी जाएगा। देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है,
फंदे उठाने हैं और पास करने हैं और काउंट कर करके पत्तियों पर देखना है कि पत्तियाँ कितने कितने फंदों पे कितनी कितनी जगह है। अब आपने इसको छोड़ना है और इससे बनाना है। अच्छा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद ये 15। अब देखिए मैं इन 15 को पास कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सारे फंदे मैंने इधर कर लिए हैं और अब हम इन सबको इस तरह से पास कर देंगे, इस तरह से। ये देखिए, बस इजी है ना, बस एक ही पत्ती समझ लीजिए इस डिज़ाइन में। एक पत्ती इजीली समझ लेंगे तो पूरा डिज़ाइन आप बना लेंगे इस तरह से। इस तरह। और यहाँ के 3 फंदे तो शुरू से अब तक हमने वाइट से ही बनाए हैं, वो इसी तरह की पट्टी चलेगी 3 फंदों की। फिर यहाँ और यहाँ, और इसे टाइट करके इसके बाद देखिए कौन सा कलर है। इसके बाद है रेड कलर, तो अब आपने यहाँ रेड कलर लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था इन 5 पत्ते के बाद, ये भी समझा दिया था। इसके बाद मैंने देखिए जैसे इधर की पट्टी तैयार करी थी ना, बिल्कुल मैंने इधर की पट्टी भी तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आप चाहें तो ये वाले कलर इधर लगा सकती हैं, लेकिन आपके पास जितने कलर थे आप इसी तरह से एक जूता बना ले। जब दूसरा बनाएंगी तो जैसे इसमें आपने ये कलर लगाए ना इतने सारे, आप उसमें भी इतने सारे कलर लगा लेंगे तो 1 से 2 जूते आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बन गया है और इसका लुक देखिए कितना प्यारा है और इतना सिंपल और इतना ईजी है और देखने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप इतना बना लेना तो देखिए आपने क्या करना है, ये जो आपकी चैन है ना, लाइनें, इन्हें गिन लीजिए। तो ये देखिए मेरी, मैंने गिन ली हैं तो ये मेरी यहाँ पर 45 आ रही हैं, यानी एक साइड में 45 हैं और दूसरी साइड में भी 45 हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से सोल बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए सोल बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से रखेंगे बीचों बीच में से, देखिए ये 1, 1 के बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये 7 हो गए फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, देखिए 7 होने के बाद इस तरह से अपने बीच में से फंदे उठा लिए, फिर देखिए इस तरह से इन 7 फंदों को बुनेंगे। ये देखिए ये भी बहुत इजी है, आप इजीली समझ लेंगी। यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, फिर 7 है ना, 7 में से निकाला आपने, और 7 में से निकालने के बाद आपने देखिए ये जो है ये चैन यहाँ से निकाल लीजिए। फिर ये आ गया, अब आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठा लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गए। 8 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से 1, 9 हो गए, 1 इधर से लिया, इधर से लिया। अब आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपने फिर से यहाँ से इस तरह से, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 9 फंदे हो जाएंगे ना, बस आपने इस तरह से इधर से फंदा उठा लिया, 1 हो गया। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें नौ ही फंदे रखना चाहते हैं, तो नौ फंदों में पहले आपने देखिए इन दो फंदों को एक साथ बुन लीजिए। ये कितने हो गए, दो दो चार दो छः सात आठ नौ, और एक यहाँ से उठा लीजिए इस तरह से। फिर आपने ये देखिए यहाँ से एक इस तरह से निकालते जाइए आप। जब आप फ्रेंड्स बस नौ ही फंदे रखिएगा, और नौ फंदों के बाद देखिए ये दो है ना, तो इन दोनों को एक साथ बुन लीजिए। दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, तो जो आप उठाती जाएंगी वो बढ़ते जाएंगे, और जो आप एक साथ दो फंदे बुन लेंगी ना वो आपके कम हो जाएंगे, तो आपके नौ ही फंदे रहेंगे इस पर क्रोशिया पे। तो देखिए दो फंदों को मैंने एक साथ बुना था, फिर मैंने एक फंदा उठा लिया, और अब आपने फिर से यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और इनको इधर से नौ, और यहाँ से एक ले लेंगे ना, दो एक साथ बुन ली, तो इस तरह से बस अब आपने पीछे का सोल बनाते चले जाना है इस तरह से। देखिए हर एक में से निकाल रहे हैं, अब ये देखिए हर एक में से निकाल रहे हैं। अब आपने ये देखिए, अब आपने इन तीन फंदों में से निकालना है इस तरह से। और अब इसके बाद यहाँ से एक यहाँ से उठा लिया, तो ये बैलेंस बन गया। फिर आपने यहाँ से दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के बाद यहाँ से नौ, अब आपने फिर से इस तरह से उठाते जाइए। इस तरह से तो देखिए पीछे का सोल बनता जा रहा है। आपने ये सारा इसी तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स ये सारा पीछे का सोल बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे का सोल देखिए तैयार कर लिया है, और देखिए इस तरह से तैयार हुआ है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपके देखिए एक दो तीन चार चैने रह गई हैं, तो अब आपने थोड़ा सा पीछे से इसे घटाना स्टार्ट करना है। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे, आपने यहाँ से पहले देखिए यहाँ से ले लिया ना, तो आप इन तीन फंदों में से निकालिए। इसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छः सात, अब ये फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इस तरह से, तो आपने नौ से ना आपने एक घटाया, तो आपके आठ रह जाएंगे। इसको यहाँ से निकालिए। अब आपने देखिए इसके अंदर नहीं, बल्कि अब आपने यहाँ से ये देखिए यहाँ से नहीं यहाँ से निकालेंगे, तो ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात, और एक ये आठ है ना, तो अब इन आठों को में से ये है, तो अब आपने यहाँ से ये इस तरह से तीन में से निकालिए। फिर आपने एक इस तरह से इनमें से पास करिए, फिर आपने यहाँ से दो तीन चार पाँच छः सात
सात के बाद यहाँ से लीजिए और अब आपने इन तीनों में से इस तरह से आप इसको गोल सी शेप दे रही हैं तो इस तरह से आपने देना है, इस तरह दो तीन चार और अब ये पांच, पांच के बाद इस तरह से तीनों में से अब आपकी ये चैन है तो इसके अंदर से निकालिए इस तरह से। फिर देखिए कम हो गया, बिल्कुल शेप आ जाएगी। तीन, तीन के बाद आपने ये चार और अब आपने यहाँ से तीन में से ले लीजिए इस तरह और अब आपका ये एक रह गया है यहाँ तो इसमें से निकालिए पहले। अब आप देखिए ये तीन है तो यहां से ले लीजिए इस तरह से, या तो आप ऐसा करिए इन तीनों को ही एक साथ बुन दीजिए और इसे यहीं पर ही फिनिश कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से ये इसकी शेप आ गई है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से इसकी पीछे से गोल सी शेप आ गई है। अब आपने क्या करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा धागा रखिए और अब हम इसकी इस तरह से सिलाई कर देंगे पीछे से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नीडल में थ्रेड डाल लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से जो आपकी चैने हैं ना, बस चैनों को मिला मिला करके इस तरह से सिल दीजिए। इस तरह से सिलेंगे ये और यहाँ से इस तरह से। ये देखिए ये चैन है और यहाँ से इस तरह से सी लीजिए। तो फ्रेंड्स ये पूरा सिल कर फिर मैं आपको इसकी आउटिंग बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे की सिलाई कर ली और देखिए कुछ इस तरह से लुक आया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इसकी आउटिंग करनी है। तो देखिए आउटिंग कैसे करेंगे, पहले आप इस तरह से एक चैन बुनिए, फिर देखिए एक दो तीन और फिर आपने इसमें इस तरह से एक, अब आपने इसमें करना है इस तरह से, फिर एक और दो ले लीजिए या तीन चैन बुन लीजिए और इसके बाद इसके अंदर इस तरह से। डबल क्रोशे से एक बार बुनिए और इसको एक छोड़ के दूसरे में बुन दीजिए इस तरह से, फिर एक दो तीन और डबल क्रोशे से बुनिए
और इसके बाद एक छोड़ दीजिए दूसरे में। इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे से कंगूरे बनाने, एक दो तीन, और फिर इसके अंदर डबल क्रोशे से और एक छोड़ के दूसरे में, फिर एक दो तीन, फिर आपने इसी में बुनना है एक बार डबल क्रोशे से और एक छोड़ के दूसरे में यहाँ। फिर देखिए एक दो तीन डबल क्रोशे से और एक छोड़ के दूसरे में, इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसकी आउटिंग करनी है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कंगूरे, मैं इसे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए यहाँ से, और वापस की देखिए बैक देखिए, ये देखिए यहाँ से मैंने कोलाई से जो बनाया है ये भी बहुत प्यारा सा आया है। देखिए ये देखिए पीछे का सोल है और ये डिज़ाइनिंग है और इतने खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती। वो भी थोड़ी थोड़ी ऊनों से आपने बनाना है और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी पत्तियाँ आई हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशिया वर्क अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।